नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर कमलदीप होम्योपैथिक पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के बारे में। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब्ज क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं और होम्योपैथिक में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन्स आती हैं जिन्हें यूज़ करने से हम कब्ज से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कब्ज़ क्या होता है। दोस्तों कब्ज़ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो मल होता है बहुत ही सख्त होकर निकलता है, जिससे मल विसर्जन में बहुत ही मुश्किलें पैदा होती हैं, या मल हमारी जो पाचन क्रिया होती है, पाचन तंत्र होता है, उसमें से बहुत धीरे धीरे होकर के निकलता है। ये प्रक्रिया अगर लंबे समय तक चलती रहती है तो नियमित रूप से मल विसर्जन बहुत कम मात्रा में होता है। जितना हम डाइट लेते हैं सारा दिन, उसके अकॉर्डिंग मल विसर्जन कम मात्रा में होता है और ये कब्ज जो है ये कब्ज की कंडीशन बन जाती है और जो पेशेंट होता है, जो इंसान होता है, वो कब्ज से जो है पीड़ित हो जाता है। कब्ज से पीड़ित होने के बाद ये कब्ज से पीड़ित होने पर स्किन में ड्राइनेस, भूखना लगना, दर्द होना और बवासीर जैसी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। जानते हैं कि ये आखिर कब्ज हमें दोस्तों होता क्यों है। कब्ज जो है हमें इस वजह से होता है कि एक तो कम रेशायुक्त भोजन लेने से, रेशायुक्त का जो मेरा मतलब है कि रेशायुक्त जो सब्जियां होती हैं, जैसे बैंगन होता है और आलू होता है, ये ग्रीन वेजिटेबल्स भी इसी में आती हैं, ये इस तरह की वेजिटेबल का कम मात्रा में सेवन करने से जो है रेशा, इनका कम सेवन करने से कब्ज हो जाता है। भोजन दोस्तों कम मात्रा में करने से भी कब्ज की शिकायत होती है। जैसे जो लोग डाइट के नाम पर सोच के कम भोजन लेते हैं कि वज़न बढ़ जाएगा ओवरवेट की वजह से, तो इस कम भोजन करने से भी जो है कब्ज की शिकायत हो जाती है। फिजिकली एक्टिविटी कम करने से, मतलब कि जैसे मान लो आपकी जॉब है, आप फिजिकली वर्क नहीं करते हैं, आपने खाना खाया और अपनी चेयर पर बैठ के काम में लग गए, तो ये जो प्रक्रिया होती है दोस्तों इसकी वजह से भी ये कब्ज की शिकायत होती है। इंसान को नियमित रूप से थोड़ा व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसकी वजह से उसका जो पेट है, जो पाचन क्रिया, डाइजेशन सिस्टम है, वो एक्टिव रहे और वो सही से काम करता रहे। दोस्तों जो लोग ज़्यादा गर्म चीज़ें, ज़्यादा स्पाइसी मसालेदार चीज़ें खाते हैं, वो जो है ज़्यादा स्पाइसी और गर्म चीज़ें हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है उसे ज़्यादा सूट नहीं करती हैं, और वो गर्म और स्पाइसी चीज़ें खाने से हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता, और जो हम स्पाइसी और गर्म चीज़ें खाते हैं वो ठीक से पच नहीं पाती, तो इसकी वजह से भी हमें जो है ये कब्ज की शिकायत हो जाती है। पानी कम पीने की वजह से भी हमारे जो पाचन क्रिया है वो नम नहीं हो पाती, उसमें सूखापन, ड्राइनेस आ जाती है। पानी कम पीने की वजह से भी कब्ज हो जाता है। कम से कम डॉक्टरों के अकॉर्डिंग, जो एक्सपर्ट हैं उनके अकॉर्डिंग, एक सामान्य इंसान को भी एक दिन में कम से कम छः से आठ लीटर तक पानी पीने की ज़रूरत होती है। उसकी बॉडी को 6 से 8 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट पर डे होती है। इससे ज़्यादा अगर आप पीते हैं तो अच्छा है, लेकिन मिनिमम 6 लीटर तो पीना ही चाहिए अपनी पाचन क्रिया को सही रखने के लिए। ये अगर किसी बीमारी की वजह से, लंबे समय से अगर कोई बीमार है और उसकी मेडिसिंस चल रही हैं, तो उन मेडिसिंस के साइड इफ़ेक्ट के रूप में कब्ज हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आ जाती है लंबे समय तक, अगर आप अपना कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसकी वजह से भी। अब चलते हैं इसके सिम्टम की तरफ। दोस्तों इसके बहुत सारे सिम्टम होते हैं कब्ज के। उनमें जो मेन सिम्टम जो हम आसानी से देख सकते हैं, जिसे देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब्ज की शिकायत है या नहीं है, ये उनमें जो मेन सिम्टम है उनके ही बारे में बात करेंगे। पहले नंबर पर आता है दोस्तों भूख ना लगना। ये जब कब्ज की शिकायत होती है तो भूख की मात्रा पहले कम होती है, यानी कि जो डाइट आप ले रहे हैं वो कम होती है,
फिर कम से और कम होती है, फिर धीरे धीरे जो है भूख लगनी बंद हो जाती है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम आती है। कॉन्स्टिपेशन में कब्ज होने की वजह से हमें सांस लेने में भी हमें दिक्कत होती है और हमारे सीने में दर्द होता है कब्ज होने की वजह से, क्योंकि जब कब्ज होगी तो गैस बनेगा, गैस बनेगा तो वो गैस का दर्द, जैसा कि सब आप सब जानते हैं कि वो शरीर में कहीं से भी चलता फिरता दर्द पैदा करता है। अगर वो ये ऊपर की ओर चल के सीने में आपके आके अटक गया है तो सीने में दर्द होने लगेगा, या दिमाग को चढ़ गया है तो आपके सर में भी दर्द होने लगेगा। तो कॉन्स्टिपेशन में जो है ये एक सीने में दर्द या सर में भी दर्द होने का सिम्टम आता ही है। सीने पे दोस्तों जलन होती है, तेजाबियत बनती है, ऐसा लगता है कि जो भी हमने थोड़ा बहुत खाया है वो हमारे सीने पे ही रखा है। हमें अगर डकार भी आते हैं तो खट्टे आते हैं और बहुत तेज जलन होती है। जलन इतनी तेज होती है कि उसे तेजाबियत का नाम भी दे दिया जाता है। ये बहुत मेरे ऐसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनकी ये शिकायत रहती है कि सीने पे तेजाबियत बनती है, या अगर जैसे डकार आते हैं तो खट्टे आते हैं और उल्टी जैसा जो है महसूस होता है, सीने में दर्द होता है जैसा मैंने आपको बताया। और अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उल्टी जैसा फील होता है। ये उल्टी जैसा जो फील होता है ये आपको खाना खाते समय भी हो सकता है और खाना खाने के बाद भी हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन में पहले तो धीरे धीरे डाइट कम होती है जैसा अभी मैंने बताया था आपको, तो जब थोड़ा सा ही खाते हैं तो पेट भारी भारी लगने लगता है और उसके बाद वो जो हम थोड़ा ही खाते हैं वो पच भी नहीं पाता और ऐसा लगता है सीने पे वजन और सीने पे जलन सी होने लगती है, तेजाब जैसा बनता है, खट्टी डकारें आने लगती हैं। ये बहुत सारी सिम्टम हैं इसके कब्ज के। और एक जो और काफ़ी बड़ा सिम्टम है इसका के स्किन जो है ड्राइनेस आने शुरू हो जाती है, क्रैक पड़ने लग जाते हैं, स्किन पे क्रैक पड़ने लग जाते हैं, स्किन पे ड्राइनेस आ जाती है। और ये जो क्रैक पड़ते हैं, ड्राइनेस होती है, ये स्टार्टिंग में तो आपको ये बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन अगर ये इसी तरह लंबे समय तक रहती है तो मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनकी स्किन पे ड्राइनेस है और क्रैक हैं, वो इतने सेंसिटिव स्किन हो गई है अब उनकी कि अगर वो उन्हें हल्की भी इचिंग हो और वो हल्के से अगर ये किसी चीज़ से अगर वो इचिंग करते हैं, खुजा लेते हैं, तो एकदम से ब्लड आने लग जाता है। तो ये दोस्तों उन्हें जिन मेरे जिस जिस पेशेंट को ये वाली प्रॉब्लम है स्किन ड्राइनेस और स्किन क्रैक की, उन्हें सभी को यही प्रॉब्लम है, उनका पेट ठीक नहीं है और उन्हें कब्ज की शिकायत है। दोस्तों ये बहुत सीरियस हो जाता है। अगर स्किन पे ड्राइनेस है आपके, क्रैक पड़ते हैं, तो उसे आप हल्के में ना लें, आप उसका जो है ये देखें, आप ये चेक करें कि आपको कहीं कब्ज तो नहीं है। अगर कब्ज, वैसे तो डेफिनेटली आपको कब्ज ज़रूर होगा, अगर किसी वजह से कब्ज नहीं है और ये क्रैक पड़ते हैं, स्किन आपकी ड्राई रहती है, तो फिर इस तरफ इशारा करते हैं कि आपका जो ये जो आप पानी पीते हैं वो बहुत कम मात्रा में पीते हैं। तो इस पे जो है बिना कॉन्स्टिपेशन के स्किन क्रैक होना, ड्राइनेस आना, इस पर किसी और टॉपिक में बात करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन, उस पे वापस आते हैं। एक सिम्टम होता है इसमें दोस्तों सांस में बदबू आने का, जब हम बोलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद को तो नहीं लगता लेकिन जिससे हम बात करते हैं सामने वाले से, उसे महसूस होता है कि आपके मुंह से बदबू आ रही है। और कई केस में ऐसा होता है कि आपको खुद भी महसूस होता है कि हाँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से बदबू आ रही है, ये भी इसी का सिम्टम होता है। कुछ समय के अंतराल में रुक रुक के दोस्तों सिर में दर्द होता है, जैसे कि अचानक सिर में दर्द हुआ, कुछ समय के बाद जो है अपने आप ठीक हो गया। ये जो दर्द होता है, सर दर्द रुक रुक के, ये बहुत तेज भी हो सकता है और बहुत धीमा भी हो सकता है। ये कब आएगा कब जाएगा, ये इसका कोई एक्यूरेट टाइम या इसका कोई पैटर्न नहीं होता, ये कभी भी अचानक से आके अचानक से चला भी जाता है। चक्कर आते हैं, यानी कि जैसा अभी मैंने बताया था आपको कि जब आपको कब्ज होगी तो आपको गैस बनेगा तो वो आपके सीने में या सर पे चढ़ेगा। तो अगर गैस सर को चढ़ता है, तो सर को जब गैस चढ़ता है, सर दर्द भी होता है और दोस्तों चक्कर भी आते हैं। फेस पे पिंपल होना, हमारा जब डाइजेशन सिस्टम बिगड़ता है तो उसका जो
इफ़ेक्ट होता है, उसका जो असर होता है वो हम साफ तौर पे अपनी बाहरी स्किन पे आसानी से देख सकते हैं। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो डायग्नोस करने के लिए हमें टेस्ट वगैरह कराने की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक ऐसी बीमारी है दोस्तों कि आसानी से हम हमारी बाहरी स्किन पे हमारी एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटी है, उन्हीं से हमें पता चल जाता है कि ये कॉन्स्टिपेशन हो गया है। फेस पर पिंपल आ जाते हैं, क्योंकि जब ये डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा तो फेस पे पिंपल भी आते हैं, फेस पर ब्लैक स्पॉट, ये पिगमेंटेशन भी होने की शिकायत हो जाती है और पिंपल्स भी आते हैं। ये भी जो है, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो ये सिम्टम भी आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे स्किन पे। पेट में भारीपन आपको हरदम रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे हाथ पैर तो नॉर्मल ठीक हैं, इतना मतलब के वज़न नहीं है मेरा बढ़ा, लेकिन जब आप पेट की तरफ देखेंगे तो आपको पेट अपना बड़ा और काफ़ी भारी सा लगेगा। आपको लगेगा कि मेरा खाली पेट पेट जो है वो मोटा होता जा रहा है और बाकी जो मेरे बॉडी पार्ट हैं, हाथ पैर और ये फेस वगैरह, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये भी इसी का सिम्टम होता है। जब पेट सही से साफ़ नहीं होगा, पेट में गैस बनेगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज होगा, तो ये भारीपन आएगा ही आएगा। पाचन क्रिया, डाइजेशन सिस्टम, ये ख़राब हो जाता है हमारा कब्ज की वजह से। और इसमें अभी तक मैं आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कब्ज क्यों होता है, कब्ज किसे कहते हैं, कब्ज के क्या क्या लक्षण होते हैं। ये सब मैंने अच्छे से अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है मैंने कि आप अच्छे से समझा सकूं, और मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब दोस्तों इसके इलाज की तरफ चलते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए सिम्टम के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी मेडिसिंस होती हैं और अवेलेबल हैं भी, लेकिन मैं आपको दो मेडिसिंस और एक ओरल ड्रॉप के लिए के बारे में बताऊंगा कि किसी भी तरीके का अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज की शिकायत है, तो ये दो मेडिसिंस जो हैं आपको 100% आपको इस कब्ज से, कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा दिला देंगी। पहले नंबर पर आती है दोस्तों प्लम्बम मेट, ये हमें 30 पोटेंशियल में लेनी है। सेकंड नंबर पे आती है एल्यूमिना, ये भी हमें 30 पोटेंशियल में लेनी है। दोस्तों तीसरा जो ओरल ड्रॉप है उसके जो बारे में मैं इन दोनों के पहले डोज बता देता हूँ और फिर उसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। कॉन्स्टिपेशन के लिए सिर्फ यही दो मेडिसिन लेनी है, प्लम्बम मेट 30 पोटेंशियल, प्लम्बम मेट 30 पोटेंशियल और दूसरी है एल्यूमिना 30 पोटेंशियल। इनका जो डोज है वो कैसे लेनी है दोस्तों, इन दोनों को खाना खाने के बाद ही लेना है, और इन दोनों में कम से कम आप आधे घंटे का अंतर रखें। सुबह को जब आप ब्रेकफास्ट कर लेंगे, ब्रेकफास्ट करने के कम से कम 15 मिनट के बाद आप इसकी 5 या 6 बूंदें डायरेक्ट अपनी टंग पर लें, और फिर आधे घंटे के बाद आप एल्यूमिना ले लें। आप पहले चाहें एल्यूमिना ले लें, बाद में प्लम्बम मेट ले लें, ये आप पर डिपेंड है, इसमें से कोई सी भी पहले या बाद में आप ले सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों दिन में ये 3 बार लेनी है जो ये मेडिसिन है, प्लम्बम मेट और एल्यूमिना, दिन में 3 बार 5-5, 6-6 बूंदे खाना खाने के 15 मिनट के बाद। और इन प्लम्बम मेट और एल्यूमिना में हमें जो गैप रखना है वो रखना है कम से कम आधे घंटे का। अब दोस्तों अगर ये दोनों मेडिसिंस आपको मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये दोनों नहीं मिल पाती हैं तो एक SBL का कॉन्स्टिपेशन के लिए आता है ड्रॉप, उसका नाम है कॉन्स्टिनिल ड्रॉप्स, ये आता है कब्ज के लिए। SBL जो है, SBL ब्रांड जो है वो इसे बनाता है, और इसका जो डोज का जो तरीका है कि ये किस तरह लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये भी दोस्तों हमें दिन में 3 बार लेना है और खाना खाने के बाद लेना है। जो कप होता है चाय वाला, तो जो वो कप लेना है दोस्तों, मैं आपको एक बीच में एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि ये जो होम्योपैथिक की जो मैं आपको मेडिसिन बताता हूँ, तो जहाँ तक हो सके आप ये कोशिश करना कि इन्हें जो डायरेक्ट टन पर जो लेते हैं वो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मेडिसिन मैं आपको पानी में डाल करके लेने के लिए बताता हूँ, तो जो जिस चीज़ में आप पानी लेते हैं आप प्रेफर यही करूँगा, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि दोस्तों जो कांच का जो कप होता है या जो चीनी मिट्टी वाला कप होता है वो आप इनमें से ही कोई एक लें।
आप प्लास्टिक या किसी और चीज़ का बना, धातु का बना कोई बर्तन यूज़ ना करें। आप या तो कांच का लें कप, या चीनी मिट्टी का जो आता है कप वो लें। उसमें लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ये बेनिफिट रहेगा आपको। आप कांच के या चीनी मिट्टी के कप में लें। वापिस आते हैं दोस्तों कॉन्स्टेनिल ओरल ड्रॉप की डोज पे। आधे से आधा कप पानी लेना है और इसकी 15 बूंदें डालनी हैं। 15 से 20 के बीच में रखनी है, आधे से आधा कप पानी। सुबह जब आप ब्रेकफास्ट कर लेंगे तो उसके 15 से 20 मिनट के बाद लें। दोपहर को जब आप लंच कर लेंगे तो उसके 15 से 20 मिनट के बाद लें। रात को डिनर के 15 से 20 मिनट के बाद लें। ये दिन में 3 बार इस तरह से लेना है। और अगर आपका कॉन्स्टिपेशन काफ़ी पुराना है या साल, 2 साल, 3 साल से आप इससे पीड़ित हैं, तो ये आपको कुछ समय कंटिन्यू आपको जो है ना ये रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको अगर काफ़ी पुराना है कॉन्स्टिपेशन, तो आप ये 4-6 महीने से लेके ये साल भर तक भी आप इसे ले सकते हैं। अगर आपका कॉन्स्टिपेशन अभी अभी हुआ है, 2-4 महीने या 6 महीने में, 6 महीने से हुआ है, तो आप ये 2 या 3 महीने से 4 महीने तक आप इसे कंटिन्यू ले सकते हैं। और दोस्तों ये मेडिसिन के साथ साथ जो है आप अपनी डाइट का ख्याल रखें कि आप खाने में जो है रेशेदार चीज़ें खाएं। और ये मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड करता हूँ कि जब आप खाना खा लेते हैं तो जो गुड़ होता है, जिसे आम भाषा में मिठाई बोलते हैं गांव में, गुड़, वो जिसे गुड़ भी कहते हैं, तो अब जब आप खाना खा लेते हैं तो खाने के बाद आप थोड़ा सा गुड़ ज़रूर खाएं। वो आपके पेट के डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छा रखेगा, आपका पेट साफ रखेगा। आपका पेट आपको जब आप टच करोगे तो बहुत मुलायम महसूस होगा, आपको अच्छा फील होगा। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जो है वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट रहेंगे नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।